हरियाणा के अंबाला कैंट एसडी कॉलेज के बाहर हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी मचाई। कॉलेज के मुख्य गेट पर बीए प्रथम वर्ष के छात्र को चाकू मारे गए, एक चाकू हाथ को तो दूसरा पीठ पर मारा, साथ ही सर पर भी गहरी चोट आई है। लहूलुहान हालत में छात्र को उपचार के लिए कैंट सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी एसडी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट का आपस में झगड़ा हो गया, फिर सूचना पाकर हम पहुँचे। ऐसे ही उस लड़के को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब ने पी जी आई का रेफर कर दिया है। किसने चोटें मारी हैं इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इसके बयान करने के बाद ही आगामी कार्रवाई हमको हमने बताया। चरणप्रीत सिंह है जी, चरणप्रीत सिंह सानू रणबीर सिंह कलाल माजरा पड़ता है थाना सुजारपुर के वहाँ का रहने वाला एस पी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि इसका कारण क्या है, ये झगड़ा क्यों हुआ, ये मुजरू की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा कि झगड़े का कारण क्या है, क्यों झगड़ा हुआ है। कितने को हाँ जी सर, लड़के जी फिलहाल तो पीजीआई में रेफर कर दिया है डॉक्टर साहब ने, बाकी देखते हैं आगे जाके भी कैसी कंडीशन आगे तो डॉक्टर साहब ही बता सकते। तो मामा को सर भाई एक्चुअली सर इसका कजन ब्रदर था, चाचा जी का लड़का वो साथ है, जो इस लड़के को इसके साथ पीजीआई में जाना मालूम हुआ। सरकार जी सर जो अभी तक हमें पता चला है वो गेट के बाहर हुई है, कॉलेज के अंदर नहीं बाहर। वही मामले में जानकारी देते हुए हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि हमलावर आउटसाइडर हैं। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस जगह पर छात्र पर हमला किया गया है उस जगह पर कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं। बदमाशों का पता लगाने के लिए पुलिस फुटेज भी खंगालेगी। फिलहाल हमला करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर मामले में बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।